तो सबसे पहले मैं आपको आबेल टेस्ट का स्टेटमेंट अच्छे से समझाता हूँ, फिर मैं इसका प्रूफ आपको दूंगा। इसमें लिखता है ये जो सीरीज है ये प्रोडक्ट है, एक्चुअली में यू एन एक्स इंटू वी एन एक्स उसका सीरीज है, प्रोडक्ट है ना, दो जो सीरीज है उनका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आप टू सीरीज आप बोल सकते हो या प्रोडक्ट का सीरीज है ना, इसका बोल सकते हो सीरीज ऑफ प्रोडक्ट। तो जो यू एन एक्स इंटू वी एन एक्स का जो सीरीज है विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ए बी, ये जो सीरीज है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा ए बी पर इफ, यदि पहला जो सीरीज है सिग्मा यू एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन ए बी, पहला जो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो ए बी में, और दूसरा जो सीरीज सीक्वेंस की बात करें वी एन एक्स ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब ये है, लिख देता हूँ अच्छे से, दैट इज यहाँ पर वी एन एक्स यूनिफॉर्मली बाउंडेड है बोलता है, दैट इज इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पॉजिटिव, हमारे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, देयर इज अ पॉजिटिव नंबर, देयर इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव कांस्टेंट बोल सकते हो नंबर के, देयर इज अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट, इस प्रकार से है कि मॉड ऑफ वी एन एक्स, मॉड ऑफ वी एन एक्स ये हमेशा लेस देन या इक्वल टू होगा के से। इसका मतलब होता है कि हमारा वी एन एक्स यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब यह है कि इसका जो वैल्यू है वी एन एक्स का जो मॉड है वह के से छोटा या बराबर होगा, है ना। अब ये फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन के लिए 1, 2, 3, 4 आप रख सकते हो, ठीक है। तो सारे एन के मतलब v1, v2, v3 सब के लिए सबका जो वैल्यू है उसका जो मॉड है वो के से लेस देन होगा, ये हमें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आबेल टेस्ट का जो प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे तो ये जो कंडीशन वन और कंडीशन टू जो दिया है इसको हम एग्जूम कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, और हम इस सीरीज को बताएंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये जो सीरीज है इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हम प्रूफ करेंगे, इस कंडीशन वन और कंडीशन वन को टू को हम एग्जूम करके चलेंगे, मतलब इसको हम मान के चलेंगे और इसको हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। चलिए तो स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस स्टेटमेंट में ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, कब होगा, जब ये कंडीशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, पहला और दूसरा, इस दोनों कंडीशन को हम एग्जूम करके चलते हैं और इसको हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। अब आप लोगों को बताता हूँ कि कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब कहलाता है, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये बात आप लोगों को याद रखें। प्रूफ का स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं एक बार बता चुका था फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अगर मॉड ऑफ यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू प्लस एंड सो ऑन यू एन प्लस पी, अगर इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, यदि ऐसा आ जाता है इफ, तो बताओ ये जो सीरीज है सीरीज सिग्मा यू एन, ये सीरीज है ये क्या कहलाएगा, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए ये सीरीज क्या कहलाएगा, ये सीरीज कहलाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए इस सीरीज को हम बोलेंगे इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जन बताने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये जो लिखा है, जैसे हमने लिखा है यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू प्लस एंड सो ऑन यू एन प्लस थ्री, ये आया कैसे, है ना, ये आया कैसे, कैसे इसको हम समझेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो सीरीज होता है ना सिग्मा यू एन, इसको अगर ओपन करें तो इसमें आता है यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, इस प्रकार से इसमें पूरे इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं, ये ना चलते चलते ऐसे इसमें यू एन आएगा, फिर इसके बाद में यू एन प्लस वन भी आएगा, फिर यू एन प्लस टू भी आएगा, फिर ऐसे बढ़ते 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 इसमें सारे टर्म्स आएंगे, पूरे इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, ठीक है, इसमें पूरे अनंत पद आएंगे। अब जब हम इसका पार्शियल सम निकालते हैं इसको एस एन बोलते हैं, पार्सम को क्या बोलते हैं एस एन, इसमें केवल एन टर्म्स रहेंगे, यू वन रहेगा यू टू रहेगा और ये केवल यू एन तक रहेगा, एन टर्म्स रहेंगे एस एन, ठीक है। जब हम एस एन प्लस पी निकालेंगे तो इसमें एन प्लस पी टर्म्स होंगे, मतलब यू वन रहेगा यू टू रहेगा, इस प्रकार से यू एन रहेगा, फिर आगे ये बढ़ते बढ़ते यू एन प्लस वन यू एन प्लस टू ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट आ जाएगा यू एन प्लस पी, ठीक है। अब आपको पता होगा ये सीरीज कन्वर्जेंट कब कहलाता है, जब ये एस एन कन्वर्जेंट हो, अगर ये एस एन कन्वर्जेंट हो
तभी ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा, क्योंकि इस सीरीज का पार्शियल सम एसएन कहलाता है ना। एसएन को क्या बोलते हैं, एसएन इज कॉल्ड पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, इसी सीरीज का ही पार्शियल सम है। इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स है, इसमें केवल एन टर्म्स है। तो ये अगर कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब मॉड ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, यदि मॉड ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो ये एस एन कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो इसको एस एन प्लस पी माइनस एस एन जब हम निकालेंगे तो सब कट जाएगा, बचेगा क्या बताओ। एस एन प्लस पी माइनस एस एन निकालेंगे तो सारे कैंसिल होंगे, यू एन यू एन कट जाएगा, यू टू कट जाएगा, यू एन कट जाएगा, बचेगा क्या बताओ, बताइए आप लोग क्या बचेगा। यू एन प्लस वन बचेगा, यू एन प्लस टू बचेगा, कहाँ तक बचेगा, यू एन प्लस पी तक बचेगा, है ना। मतलब मेरा ये कहना है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ, ये रिजल्ट प्रूफ कर देता हूँ, तो ये जो एस एन है, ये रिजल्ट प्रूफ क्या बोला, ये प्रूफ हो गया। जब ये प्रूफ हो गया, ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया, तो मतलब हमारा एस एन कन्वर्जन कहलाएगा, और जब एस एन कन्वर्जन कहलाएगा तो ये सीरीज भी कन्वर्जन कहलाएगा, है ना, समझा। तो यही चीज़ें हैं, ये रिजल्ट, इसको अगर लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करे तो ये जो सीरीज है यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कहलाएगा, बात समझ में आई। इस क्वांटिटी को हम पार्शियल रिमाइंडर कहते हैं, इसको हम पार्शियल सम कहते हैं। एस एन को क्या बोलते हैं, पार्शियल सम। तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, यू एन प्लस थ्री, ये वाला, ये जो क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का नाम है पार्शियल रिमाइंडर। समझा, क्या नाम है इसका बताओ, बोलो, इस क्वांटिटी नाम क्या है, पार्शियल रिमाइंडर कहते हैं, पार्शियल रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, बोलो, इसको क्या बोलते हैं, बताया था, बताइए, बिल्कुल सही, पार्शियल सम कहते हैं, आंशिक योगफल, और इसको बोलते हैं पार्शियल रिमाइंडर। तो अगर पार्शियल रिमाइंडर का मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, ये पार्शियल रिमाइंडर कहलाता है। इस पार्शियल रिमाइंडर का जो मॉड है वो अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो ये जो सीरीज है यह सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाता है, बात समझ में आई, बोलो, आगे समझ में। चलिए अब हम क्वेश्चन में आते हैं, हम प्रूफ में स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें हमें ये दोनों कंडीशन, पहला और दूसरा कंडीशन, हमें एग्ज्यूम करके चलना है, मतलब मान के चलना है। तो चलिए हम एग्ज्यूम करने वाला काम कर लेते हैं, हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। एग्ज्यूम दैट फर्स्ट कंडीशन हमने सपोज कर लिया, फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है देख लीजिए, इसमें लिखा है सिग्मा यू एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन इंटरवल। पहला कंडीशन हमने एग्ज्यूम कर लिया, दूसरा कंडीशन भी हम एग्ज्यूम करेंगे जो दिया गया है। चलिए दूसरा कंडीशन हमने एग्ज्यूम कर लिया, द सीक्वेंस वी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, दैट इज अर्थात देयर इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा के, सच दैट इस प्रकार से होगा कि मॉड ऑफ वी एन एक्स यह लेस देन इक्वल टू के आएगा फॉर ऑल एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे इक्वेशन वन तो काम आएगा। चलिए तो हमने एग्ज्यूम कर लिया क्वेश्चन के इन स्टेटमेंट को देख देख कर, ठीक है। स्टेटमेंट हमें याद करना पड़ेगा आबेल टेस्ट का, स्टेटमेंट को देख देख कर हमने एग्ज्यूम कर लिया। अब प्रूफ क्या करना है, देखो ये तो हमने एग्ज्यूम किया है, हमें प्रूफ करना है ये जो सीरीज है ये क्या होना चाहिए, विल कन्वर्ज, क्या लिखा पढ़ो, ये जो सीरीज है विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ए बी, यह यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ये सीरीज क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूफ करना है, यहाँ लिख दो। देन वी हैव टू सो दैट, वी हैव टू सो दैट, क्या सो करना है, द सीरीज सिग्मा यू एन एक्स इन टू वी एन एक्स, बताओ ये सीरीज क्या होना चाहिए, बोलो, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इसका मैं
यूनिफॉर्मली कन्वर्जन प्रूव करना है। ये प्रश्न होता है द सीरीज सिग्मा यूनिट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जन। तो इस सीरीज को हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जन शो करना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? बोलो। चलिए ओके, अब इसको हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कैसे प्रूव। चलिए मैं आपसे पहले क्वेश्चन कर लेता हूं। यहां पर इस सीरीज के बारे में दिया गया है, यह सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, दिया है ना क्वेश्चन, आपने एग्जूम किया है। इस सीरीज को आपने यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कहा है। चलिए यहां लिख देता हूं, सिंस सिग्मा यू एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो क्या होगा इससे बताइए, इट फॉलोज क्या होगा इससे बताइए। अगर ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो क्या होगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या डेफिनेशन है बताइए, बताया पहले बताया, क्या डेफिनेशन बताया? मैंने कहा था मॉड ऑफ यू एन प्लस वन एक्स प्लस यू एन प्लस टू एक्स प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा यू एन प्लस लेस देन क्या होगा, लेस देन क्या होगा, क्योंकि यहाँ यू एन एक्स लिखा है ना, तो अपन भी एक्स एक्स लिख, यहाँ हमने सिग्मा यू एन लिखा था, केवल सिग्मा यू एन लिखा था, यू एन प्लस वन यू एन प्लस यू एन एक्स लिख दिया था हमने यू एन एक्स। ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इसी कारण लेस देन एप्सिलॉन। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो बोलो यार, डाउट है तो डाउट है बोलो, नो डाउट है ना। चलिए ये ठीक है, तो इसको हम पार्शियल रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल रिमाइंडर। क्या नाम से जानते हो? तो पार्शियल रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पार्शियल रिमाइंडर कहते हैं। तो चलिए इसको नंबर टू लिख लो, जरूरत पड़ेगा। चलिए हम मान लेते हैं, हमने माना कैपिटल आर एन पी। ठीक है, ये एन एस एक्स लिख देते हैं ब्रैकेट में, चलो आर एन पी एक्स। ठीक है, ये है यू वन प्लस वन एक्स इंटू वी एन प्लस वन एक्स। ठीक है, फिर प्लस यू एन प्लस टू एक्स इंटू वी एन प्लस टू एक्स, फिर प्लस एंड सेवन यू एन प्लस पी एक्स इंटू वी एन प्लस पी एक्स। बताए किसका पार्शियल रिमाइंडर है? बोलो, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। इस सीरीज का पार्शियल रिमाइंडर है, इस सीरीज का कि ये वाला सीरीज का, देखो ये सीरीज का पार्शियल रिमाइंडर है कि वो जो प्रोडक्ट वाला सीरीज था उसका, इस सीरीज का, इसका 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 पार्शियल रिमाइंडर है कि इसका, बता प्रोडक्ट वाला सीरीज का ना, ये किसका पार्शियल रिमाइंडर होता, प्रोडक्ट वाला जो सीरीज है उसका पार्शियल रिमाइंडर। लिख देता हूँ बी पार्शियल रिमाइंडर ऑफ द सीरीज सिग्मा यू एन एक्स इंटू वी एन एक्स। ठीक है, इस सीरीज का पार्शियल रिमाइंडर। अगर ये पार्शियल रिमाइंडर, जिसको आप पार्शियल रिमाइंडर बोल रहे हो, इस सीरीज का अगर इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, इसका मॉड लेस देन क्या जाए, एप्सिलॉन आ जाए, ये जो पार्शियल रिमाइंडर है ना, इसका जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, तो ये सीरीज क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कहलाएगा। और मैं यही शो करना चाहता हूँ, देखा है तो आपको, मैंने यहाँ लिखा है वी हैव टू शो दैट द सीरीज, इस सीरीज को मैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जन शो करना चाहता हूँ। इस सीरीज को क्या शो करना चाहता हूँ? यूनिफॉर्मली कन्वर्जन। और ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जन तभी हो पाएगा जब इसका जो पार्शियल रिमाइंडर है, इसका मॉड लेस देन क्या आ जाए बताओ? बिल्कुल सही, ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। कोई डाउट तो नहीं है भैया? बोलो, नो डाउट। ठीक है, चलिए तो इस सीरीज का पार्शियल रिमाइंडर है। ओके, एंड लेट, एंड लेट तथा माना आर एन पी, आर एन पी जो है स्मॉल आर लिख रहा हूँ, आर एन पी एक्स लिख देते हैं इसको भी, आर एन पी एक्स है ना, इसमें लिख रहा हूँ यू एन प्लस वन एक्स प्लस यू एन प्लस टू एक्स और प्लस 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 यू एन प्लस पी एक्स। बताइए किसका पार्शियल रिमाइंडर है? बोलो, किस सीरीज का?
यस बी अ पार्शियल रिमाइंडर बी अ पार्शियल रिमाइंडर ऑफ द सीरीज सिग्मा यू एन एक्स का। ठीक है, अब बताओ ये जो सिग्मा यू एन एक्स जो है ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, आपने एग्जूम किया है इस सीरीज को, आपने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऐसे एग्जूम किया आपने, ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो इसका जो पार्शियल रिमाइंडर है, इसका जो मॉड है वो लेस देन क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, यस कि नो, बोलो यार, है ना। देन तब आप दिखाता हूँ आपको इक्वेशन नंबर टू एक बार, ये देखिए अभी थोड़ा पहले आपने कहा था इक्वेशन नंबर टू में कि इसका जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, इसी को आपने आर एन पी बोला है, इसी को आपने आर एन पी एक्स बोला है, इसी को। तो ये जो आर एन पी एक्स है, ये आर एन जो पी एक्स है स्मॉल आर है ना, ये जो आर एन पी एक्स का जिसका मॉड, आर एन पी एक्स का जो मॉड है, बताओ ये लेस देन क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा इक्वेशन नंबर टू से। इक्वेशन नंबर टू एक बार फिर से दिखाया था, ये देखिए इसी को आपने आर एन पी का, ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा। क्या लाइन आपको समझ में आ गई? हाँ या ना? चलिए अच्छी बात है ना, तो ये आपको समझ में आ गया है कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। चलिए इक्वेशन नंबर क्या देते हैं बताओ, इक्वेशन नंबर थ्री दे दे। चलिए इक्वेशन नंबर थ्री हमने दे दिया, ओके। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कि होना चाहिए डाउट, बोलो एकदम क्लियर है ना। चलिए अच्छी बात है ना, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ओके। नाउ अब जब हम आर एन वन एक्स की बात करें तो इसमें सिंगल टर्म आएगा क्यू आर यू एन प्लस वन एक्स, वन लिखा ना मैंने, देखो यहाँ पे देखो यहाँ लिखा आर एन पी एक्स, तो इसमें एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस पी तक गया, एन पी एक्स लिखा था, या पी की जगह वन रखूँगा तो केवल एक ही टर्म आएगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ आर एन टू एक्स लिखता हूँ, इसमें दो टर्म आएंगे, यू एन प्लस वन एक्स आएगा प्लस आएगा यू एन प्लस टू एक्स आएगा, दो टर्म आ जाएंगे, है ना। बताओ अगर मैं लिखता हूँ आर एन थ्री एक्स, इसमें कितने टर्म आएंगे, कौन कौन आएगा, प्लस यू एन प्लस टू एक्स, ओके, यू एन प्लस थ्री एक्स आएगा, है ना, ओके अच्छी बात है ना, एंड सॉन कहना, चलो एंड सॉन है ना, ये बात तो आपको समझ में। अब बताओ इतना माइनस इतना करूँगा तो क्या आएगा, दस आता है, देखो यू एन प्लस वन एक्स की वैल्यू तो आ गया आर एन वन एक्स, है ना, इसका वैल्यू ये है, ओके। अब मैं इतना माइनस इतना कर दूंगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, मतलब यू एन प्लस टू एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। आप क्या कीजिए, इतना माइनस इतना कर दो तो ये तो कट जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, क्या आएगा बताओ, सोच के बताओ, जीरो आएगा, यस वेरी गुड, लड़की बिल्कुल सही है, आर एन टू माइनस आर एन वन एक्स आएगा। अरे इतना माइनस इतना करेंगे तो ये निकलेगा ना, अब ये निकालना है मतलब यू एन प्लस थ्री एक्स, तो कैसे निकलेगा बताओ, मुझे निकालना है यू एन प्लस थ्री एक्स, कैसे निकलेगा बताइए, बिल्कुल सही, इतना माइनस इतना करूंगा, तो ये और एक कट जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा, मतलब आ जाएगा आर एन थ्री एक्स माइनस आर एन टू एक्स, नहीं हाँ लगता है सामने, कोशिश करो, आ गया सामने, बोलो, चलिए अच्छी बात है, इतना सामने आ गया आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे ना, मैं निकाल रहा हूँ मॉड ऑफ आर एन पी, बताओ इसके लिए लेस देन क्या लाना है, कैपिटल आर है, लेस देन एप्सिलॉन लाना है, अगर मैं इसके लिए लेस देन एप्सिलॉन ले आऊँ तो हमारा जो प्रोडक्ट वाला जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना। चलिए कैपिटल आर एन पी का वैल्यू था यू एन प्लस वन एक्स इन टू वी एन प्लस वन एक्स, पहला टर्म, फिर सेकंड टर्म था इसका प्लस यू एन प्लस टू एक्स इंटू वी एन प्लस टू एक्स, ठीक है, इस प्रकार से इसके बहुत सारे टर्म्स हैं, और इसका
लास्ट टर्म था यू एन प्लस पी एक्स इंटू वी एन प्लस पी एक्स, यही था, बोलो बोलो यार, यही था। ओके, तो मैं इसका मॉड निकाल रहा हूँ, मैं इसको लेस देन एप्सिलॉन लाने वाला हूँ, अभी आपके सामने आएगा। चलिए, मॉड ऑफ आर एन पी, इसका वैल्यू क्या रखोगे? ऊपर देख लो, यहाँ से आपको दिखेगा, इसका वैल्यू क्या रखोगे? इसका वैल्यू ऊपर से देखो, यहाँ आर एन वन एक्स। चलिए, तो आप बोल रहे हो आर एन वन एक्स इंटू क्या होता है, इंटू वी एन प्लस वन एक्स है, इसका वैल्यू भर रखे ना आपने, इसका ये तो इंटू में प्लस। अब यू एन प्लस टू का वैल्यू यहाँ देख लो, यहाँ से आप देखो यू एन प्लस टू एक्स का वैल्यू। चलो, आप बोल रहे हो आर एन टू एक्स माइनस आर एन वन एक्स, यही बोल रहे हो क्या? देखो ये इसका वैल्यू है ना, इंटू क्या होता है वी एन प्लस टू एक्स है, फिर प्लस प्लस चलते रह गए है ना, लास्ट वाला इसका वैल्यू क्या होगा इसी को देख लो। देखो यहाँ पर देखो, जब यहाँ वन है ना तो यहाँ वन आया, जब यहाँ टू है तो टू माइनस वन आ गया, मतलब एन टू माइनस एन वन आया, जब यहाँ थ्री है तो थ्री माइनस टू आ गया, तो जब यहाँ पी रहेगा यू एन प्लस पी रहेगा तो क्या आएगा, सोचो थोड़ा दिमाग लगा, हाँ मतलब आर एन पी एक्स माइनस आर एन पी माइनस वन एक्स, ऐसे आएगा बोलो है ना, आर एन पी एक्स आएगा और आर माइनस आर एन पी माइनस वन एक्स, इंटू क्या आएगा, इंटू यहाँ तक मुझे लगता है कि डाउट नहीं होना चाहिए, अब आप लोग बोलो भाई डाउट हो सभी सकता है, आ गया सर नहीं, तो यू एन प्लस वन एक्स की वैल्यू ये रख दिए, यू एन प्लस टू की वैल्यू ये रख दिए, वैसे यू एन प्लस पी की वैल्यू हमने रख दिया। ठीक है, कोई डाउट है तो बोल दीजिए, है करके no, चलिए नहीं है डाउट है ना, आगे हम बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ तक हम पहुँचा दिए आपको, आगे हम बढ़ते हैं। ये आप बताइए कि यहाँ भी आर एन वन है, यहाँ भी आर एन वन है, इन दोनों में कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? देखो अगर हो आपको लगता है तो हाँ बोलो, नहीं लगता नहीं निकलेगा ऐसे बोलो, डायरेक्ट बोलिए कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? इसमें इतना मल्टीप्लाई इतना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, तो आर एन वन एक्स इसमें और इसमें कॉमन नहीं निकलेगा, आर एन वन एक्स यहाँ भी, आर एन वन एक्स यहाँ भी है, बोलो निकल जाएगा। चलिए, तो आर एन वन एक्स कॉमन निकले तो बचेगा क्या? वेरी गुड, वी एन प्लस वन एक्स माइनस वी एन प्लस टू एक्स बचेगा, ठीक है, प्लस वैसे ही आर एन टू एक्स के साथ क्या क्या आएगा इसी को देख लो, तो दिमाग लगाओ, वी एन प्लस टू एक्स आएगा और माइनस में क्या रहेगा, वी एन प्लस थ्री एक्स आएगा, आगे वाला टर्म और है ना, एन सॉन है ना, ये एन सॉन है ना, बहुत सारा टर्म और है, ठीक है, इसी ऊपर को देख के आपको समझ, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आगे ना, चलिए चलते रहेगा ये है ना, चलते रहेगा आर एन पी माइनस वन एक्स के साथ क्या क्या है, बोलो, हाँ वी एन प्लस पी माइनस वन माइनस वी एन प्लस पी एक्स आएगा, क्या बोलते हो, हाँ या ना? अरे तो इसके बाद वाला भी तो टर्म है ना, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, जब इनमें इनमें आर एन वन कॉमन आया तो इनमें और इसके अगले वाला टर्म में आर एन टू कॉमन नहीं आएगा, तो आएगा ना, तो इन जो में इन दोनों में आर एन वन कॉमन निकाले तो बचा क्या, इन दोनों में आर एन वन कॉमन निकाले तो क्या बचा, हाँ इसका इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा ना, वी एन प्लस टू का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा ना, इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो आर एन वन जब कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, बताइए आप बताइए, नहीं माइनस में रहेगा ये वाला, यहाँ माइनस है ना, ये वाला टर्म माइनस में रहेगा, ये वाला टर्म प्लस में रहेगा, आर आर एन वन जब कॉमन निकालेंगे
तो वी एन प्लस वन एक्स माइनस वी एन प्लस टू एक्स रहेगा ना। तो वैसे ही आर एन प्लस टू एक्स जब कामन निकालेंगे, आर एन प्लस टू एक्स कामन निकालेंगे, तो जब यहाँ एन वन है तो एन प्लस वन एन प्लस टू आया, तो एन टू रहेगा तो एन प्लस टू एन प्लस थ्री आएगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? आ गया ना, चलिए ठीक है। इसके अलावा एक टर्म और आएगा, वो टर्म कौन होगा बता देता हूँ। ये देखो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ भी तो होगा, होगा नहीं? इसका इसका मल्टीप्लाई होगा ना। ये वाला टर्म तो नहीं आया कहीं, ये तो आर एन पी माइनस वन एक्स है ना, ये तो आर एन पी एक्स है, तो आर एन पी एक्स का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, तो एक टर्म और आएगा, आर एन पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वी एन प्लस पी एक्स। नहीं आया होगा समझ में? देखो लास्ट वाला टर्म समझ में आया, ये टर्म छूटा था ना, इसका इसका ही मल्टीप्लाई इनके साथ होगा ना, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, वो वाला टर्म भी आएगा ना। क्या लगता है, समझ में आया? एक बार और कोशिश करो समझाने का कि आ गया समझ, आ गया समझ। चलिए तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम ये जूम कर लें कि ये क्वांटिटी जो है ग्रेटर है इससे, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, है ना, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर हम मार्ट को अलग अलग करें, सुनो ध्यान सुनो, अगर मैं मार्ट को अलग अलग करूँ, तो जब मार्ट को अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पर इक्वल टू साइन है वो क्या साइन में चेंज होगा बताओ, इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, मार्ट को अलग अलग करें आ जाएगा, है ना। अगर मार्ट को अलग अलग करें तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ मार्ट ऑफ आर एन पी एक्स या लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब मार्ट को अलग अलग कर दें, मार्ट ऑफ आर एन वन एक्स इंटू मार्ट ऑफ वी एन प्लस वन एक्स माइनस वी एन प्लस टू एक्स, ओके। फिर प्लस मार्ट ऑफ आर एन टू एक्स इंटू मॉड ऑफ वी एन प्लस टू एक्स माइनस वी एन प्लस थ्री एक्स, ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी को लिख रहा हूँ, बस मॉड को अलग अलग कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। जैसे आर प्लस मॉड ऑफ आर एन पी माइनस वन एक्स इंटू मॉड ऑफ वी एन प्लस पी माइनस वन एक्स माइनस वी एन प्लस पी एक्स, ठीक है। ये वाला टर्म और बचा है, इसको भी अलग अलग कर दें, प्लस मॉड ऑफ आर एन पी एक्स इंटू मॉड ऑफ वी एन प्लस पी एक्स, ये समझ में आ गया। देखो यहाँ तक बोलो, यस सर, मॉड को अलग अलग किया और कुछ नहीं किया, सब मॉड को अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब बताओ ये किससे लेस देन है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए उन्होंने किससे लेस देन बोला था। देखो मॉड ऑफ आर एन पी लेस देन क्या लिखा था, लेस देन एप्सिलॉन लिखा था, ये किससे लेस देन है बता, एप्सिलॉन से लेस देन आएगा, ये भी एप्सिलॉन से लेस देन आएगा, ये भी एप्सिलॉन से लेस देन आएगा, ये भी एप्सिलॉन से लेस देन आएगा। देखो यहाँ से इक्वेशन थ्री से मॉड ऑफ आर एन पी लेस देन एप्सिलॉन है, बस यहाँ पी की जगह वन है, यहाँ पी की जगह टू है, यहाँ पी की जगह पी माइनस वन है, ये सारे लेजर एप्सिलॉन आएंगे। बोलो 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 बोलो, हाँ या ना, ठीक है। कौन से इक्वेशन से, कौन से इक्वेशन से बताओ, इक्वेशन नंबर थ्री। अगर इक्वेशन नंबर थ्री में एप्सिलॉन ना लेके एप्सिलॉन बाय थ्री लिखे रहते, तो अगर एप्सिलॉन ना लेके एप्सिलॉन बाय थ्री लिखते, इक्वेशन नंबर टू में अपन एप्सिलॉन बाय थ्री लिख दिए रहते, तो लेजर एप्सिलॉन बाय थ्री आ जाएगा। उसमें क्या जाता है, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय थ्री लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहीं पे अपन इक्वेशन नंबर टू में लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री ले लिए होते, एप्सिलॉन के क्या लिए होते, एप्सिलॉन बाय थ्री लिए होते ये, तो फिर ये लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री आता है, ठीक है। बताओ ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री आ गया, भी लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री, भी लेस देन है, भी लेस देन, ठीक है। तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय थ्री से लिख रहे हैं कि बाद में एप्सिलॉन बाय थ्री, एप्सिलॉन बाय थ्री, एप्सिलॉन बाय तीन बार आ जाएगा, तीनों को प्लस करेंगे एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। एप्सिलॉन बाय थ्री लिखना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री होगा इक्वेशन नंबर थ्री से। देखो ये लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री, एक्चुअली में ये लाइन आया है इक्वेशन नंबर टू से, यहाँ से यहाँ ये जो लिखे है ना इक्वेशन नंबर टू से आया, इक्वेशन नंबर टू में ही आपको लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री लेकर चलना होगा पहले। लेस देन एप्सिलॉन ना लेके एप्सिलॉन बाय थ्री लिख दीजिए, लेस देन एप्सिलॉन भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन बाय थ्री लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, इसी कारण इक्वेशन नंबर 3 में जो आर एन पी एक्स है यह लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 आया। ये समझ में आ गया? बोलो। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर यहाँ एप्सिलॉन बाय 3 ना लिखे, हम केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एप्सिलॉन भी लिखो। तो यहाँ 3 एप्सिलॉन आ जाएगा, लेकिन ये लेस देन 3 एप्सिलॉन आ जाएगा बाद, लेकिन मुझे इसको लेस देन एप्सिलॉन लाना है, मुझे इससे लेस देन क्या लाना है, एप्सिलॉन। अगर यहाँ एप्सिलॉन लेके चलोगे ना, तो इसमें ये लेस देन 3 एप्सिलॉन आ जाएगा, बल्कि मुझे लेस देन क्या लाना है होता, लेस देन एप्सिलॉन लाना है ना, इसी कारण एप्सिलॉन बाय 3 कर रहा हूँ। पहले से मैं तैयारी कर लेता हूँ, यहाँ एप्सिलॉन बाय 3 लेता हूँ, ताकि यहाँ लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। बात समझ में आई? तो एप्सिलॉन बाय 3 ले रहे हैं, है ना, नहीं लेने से यहाँ 3 एप्सिलॉन लेस देन आ जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये बताओ, मॉड ऑफ आर एन पी एक्स लेस देन, तो बताइए किससे लेस देन है, इक्वेशन नंबर 3 से? बोलो बोलो यार, ये किससे लेस देन है जी? ये अभी थोड़ा पहले बता, किससे लेस देन बता, एप्सिलॉन बाय 3 से लेस देन है, बिल्कुल सही, एप्सिलॉन बाय 3 से लेस देन है, प्लस ये भी एप्सिलॉन बाय 3 से लेस देन है, एप्सिलॉन बाय 3 मॉड ऑफ वी एन प्लस 2 एक्स माइनस वी एन प्लस 3 एक्स। ठीक है, इस प्रकार से चलते रहेगा, ठीक है, और ये भी आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन बाय 3 मॉड ऑफ वी एन प्लस पी माइनस 1 एक्स माइनस वी एन प्लस पी एक्स और प्लस एप्सिलॉन बाय 3 है, प्लस एप्सिलॉन बाय 3 और मॉड ऑफ वी एन प्लस पी एक्स। क्या लगता है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा नहीं आया होगा, जो बोलो। आ गया, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ तक, हाँ बोलो सर, मेरे में थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया, तो ये वाली लाइन समझ नहीं आई, एप्सिलॉन बाय 3 कहाँ से आया, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। इसका वैल्यू एप्सिलॉन बाय 3 से लेस देन क्यों हो गया, इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, एक्चुअली मैंने लेस देन एप्सिलॉन ही लिखा था, बाद में एप्सिलॉन बाय 3 कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 आप देखो, इक्वेशन 3 आपको दिखाई दे रहा है, मॉड ऑफ आर एन पी लेस देन एप्सिलॉन ही लिखा था मैं, एप्सिलॉन बाय 3 मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि बाद में एप्सिलॉन बाय 3 एप्सिलॉन बाय 3 3 टाइम प्लस होगा ना, तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा करके, जरूरी नहीं है एप्सिलॉन बाय 3 लिखना, आप एप्सिलॉन ही लिखोगे तो भी चलेगा, मॉड ऑफ आर एन पी लेस देन एप्सिलॉन भी लिखोगे तो भी चलेगा, एप्सिलॉन बाय 3 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन बाय 3 लिख देने से फायदा ये है कि आगे 3 बार जब एप्सिलॉन बाय 3 प्लस होगा ना, तो एप्सिलॉन आ जाएगा, इसी कारण हमने एप्सिलॉन बाय 3 लिखा है। नहीं होगा, क्यों गलत होगा, एप्सिलॉन और 3 एप्सिलॉन में अंतर थोड़ी, बताइए एप्सिलॉन बाय 3 और एप्सिलॉन में अंतर थोड़ी, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, बहुत छोटी धनात्मक राशि एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाय 3 और छोटी हो गया, उसमें क्या जाता है, है ना, 3 एप्सिलॉन रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो इसी कारण पहले से अपन तैयारी कर लेते हैं कि ऐसा आगे आने वाला है एप्सिलॉन बाय 3, जरूरी नहीं कि एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3 मैंने इसे लिया है क्योंकि 3 बार अभी प्लस होगा देखना, ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, तो बताओ इस सब में क्या कॉमन आएगा, सब में कॉमन क्या आएगा बताओ, एप्सिलॉन बाय 3 कॉमन आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। चलिए तो ये लेस देन हो जाएगा, सब में एप्सिलॉन बाय 3 कॉमन आएगा, ओके, क्या क्या बचेगा बताओ, माडा माडा बताओ, वी वन एक्स माइनस वी एन प्लस टू एक्स बचेगा, फिर प्लस मॉड ऑफ वी एन प्लस टू एक्स वी एन प्लस थ्री एक्स जाएगा, ठीक है, और इस प्रकार से चलते रहेगा जी, फिर क्या आएगा देखो, मॉड ऑफ वी एन प्लस पी माइनस वन एक्स वी एन प्लस पी माइनस वन एक्स हाँ माइनस वी एन प्लस पी एक्स है ना, और फिर प्लस एक टर्म और बचा है, ये भी लिखा है, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूँ, प्लस माडा वी एन प्लस पी एक्स, ठीक है, समझ में आ गया, देखो ये समझ में आ गया, एप्सिलॉन बाय 3 सब में कॉमन आएगा। चलिए अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं इसको ये मान लूँ, देखो यहाँ देखो, अगर इसको इसके बारे में तो आपको पता होगा वी एन प्लस पी एक्स, इसके बारे में ये लेस देन के है, लेस देन क्या होता के, लेस देन क्या है के, है ना,
यहाँ पे एप्सिलॉन बाई थ्री लेना नहीं था जी, एप्सिलॉन बाई के लेना था, सॉरी एप्सिलॉन बाई थ्री नहीं लेना था, एप्सिलॉन बाई के लेना था अपने को, ठीक है। या एप्सिलॉन बाई थ्री नहीं लेना था, सॉरी एप्सिलॉन बाई के ले लीजिए, के कट जाएगा बाद, एप्सिलॉन बाई के ले लीजिए। इक्वेशन नंबर जो थ्री है ना, एप्सिलॉन ना लेके एप्सिलॉन बाई के ले लीजिए। और आपको पता है इक्वेशन नंबर थ्री आया कहाँ से है, कहाँ से आया ये? इक्वेशन नंबर टू में ही आप लेस देन एप्सिलॉन बाई के ले लीजिए, एप्सिलॉन बाई के ले लीजिए, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, है ना। आप ले लीजिए लेस देन एप्सिलॉन बाई, यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन बाई के ले लीजिए, ठीक है, एप्सिलॉन बाई के लीजिए। ये जो क्वांटिटी है लेस देन एप्सिलॉन बाई के, बाद में के कटेगा, तो एप्सिलॉन बाई के लेके चलिए इक्वेशन नंबर टू में, उसी इक्वेशन नंबर टू से ही आया, एप्सिलॉन बाई के ले लीजिए। तो यहाँ पर एप्सिलॉन बाई थ्री नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, बोलो बोलो, थ्री नहीं आएगा, एप्सिलॉन बाई के आएगा, है ना, एप्सिलॉन बाई के आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है, के सब में एप्सिलॉन बाई के आ जाएगा। तो सब में कॉमन क्या है बताओ, एप्सिलॉन बाई के कॉमन, एप्सिलॉन बाई के। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ आप लोगों को, चलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, है ना, मॉड ऑफ आर एन पी एक्स ये लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई के, एप्सिलॉन बाई के इंटू मॉड ऑफ वी एन प्लस वन एक्स माइनस वी एन प्लस टू एक्स, फिर प्लस एप्सिलॉन बाई के मॉड ऑफ वी एन प्लस टू एक्स माइनस वी एन प्लस थ्री एक्स, ठीक है। तो प्लस एंड सेवन प्लस एप्सिलॉन बाई के मॉड ऑफ वी एन प्लस थ्री माइनस वन एक्स माइनस वी एन प्लस पी एक्स, फिर एक और टर्म है एप्सिलॉन बाई के मॉड ऑफ वी एन प्लस पी एक्स, ठीक है, सभी जगह एप्सिलॉन बाई के मैंने लिख दिया। इसके पहले ऊपर वाला टर्म भी दिखा दूं क्या, इसके जस्ट ऊपर वाला टर्म था ये, ठीक है। इसके यहाँ से देखो, यहाँ से ही यहाँ है, ये एप्सिलॉन बाई के से लेस देन है इक्वेशन नंबर थ्री से, ये एप्सिलॉन बाई के से ले, इसकी जगह एप्सिलॉन बाई के लिख रहे हैं तो ये लेस देन का साइन आ गया, समझ आ रहा, इसके प्लेस पे लिख रहे हैं, इसके प्लेस पे भी एप्सिलॉन बाई के, इसके प्लेस भी एप्सिलॉन बाई के, इसके प्लेस पे भी एप्सिलॉन बाई के, ये समझ में आया आपको, बोलो इसके बाद में लाइक। चलिए अब बताओ इन सब में कॉमन क्या है, देखो बोलो क्या कॉमन है, एप्सिलॉन बाई के क्या है, कॉमन है, ओके, सब में एप्सिलॉन बाई के कॉमन है, ओके। चलिए तो मॉड ऑफ आर एन पी एक्स है ना, मॉड ऑफ आर एन पी एक्स, मॉड ऑफ आर एन पी एक्स लेस देन, तो आप बोल रहे हो सब में एप्सिलॉन बाई के कॉमन है, बोल रहे हो, बोलो देख लीजिए एक बार सब में क्या कॉमन है, देखो एप्सिलॉन बाई के लेस देन साइन है, तो हमने लिख दिया एप्सिलॉन बाई के बाहर निकल दिया, तो पहला टर्म बचेगा मॉड ऑफ वी एन प्लस वन एक्स माइनस वी एन प्लस टू एक्स, सेकेंड टर्म है प्लस मॉड ऑफ वी एन प्लस टू एक्स माइनस वी एन प्लस थ्री एक्स, ठीक है, फिर इस प्रकार से चलते रहेगा, फिर है मॉड ऑफ वी एन प्लस पी माइनस वन एक्स और माइनस वी एन प्लस पी एक्स, और इसमें एक टर्म और है मॉड ऑफ वी एन प्लस पी एक्स, ठीक है ये। तो आपको इतना समझ में आ गया, इन पूरे में एप्सिलॉन बाई के कॉमन निकाला, बस और कुछ नहीं किया, सब में एप्सिलॉन बाई के कॉमन निकाला, ये लाइन आ गया, ये समझ में आया क्या, देखो ये लाइन समझ में आ गया सबको, ओके चलिए, सब में एप्सिलॉन बाई के कॉमन निकाला है बस। इसके बारे में मुझे पता है, इक्वेशन नंबर वन मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेस देन के है, इक्वेशन वन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मॉड ऑफ वी एन एक्स किस से लेस देन है, देखो है ना, सभी एन के लिए, एन की जगह एन प्लस पी भी रखें तो भी ये कंडीशन से लेस होगा, सभी एन के लिए लागू है, एन की जगह कुछ भी है सबके लिए लागू, ये किस से लेस देन है बताओ, इस इक्वेशन नंबर वन से, बोलो लेस देन के है, इसके बाद के लिख देंगे, है ना, साइन बरकरार रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर वन का यूज कर लेते हैं, तो मॉड ऑफ आर एन पी एक्स या लेस देन आएगा
एप्सिलॉन बाय के और माडा वी एन प्लस वन एक्स माइनस वी एन प्लस टू एक्स प्लस माडा वी एन प्लस टू एक्स माइनस वी एन प्लस थ्री एक्स फिर प्लस एंड सेवन प्लस माडा वी एन प्लस पी माइनस वन एक्स माइनस वी एन प्लस पी एक्स और प्लस इसके बारे में आप लिख रहे हो प्लस के ये समझ में इसको कैसे इक्वेशन नंबर वन से आया फ्रॉम इक्वेशन वन देखो ये समझ में आया क्या यहाँ से यहाँ चलिए अब अगर हम ये ज़ूम करें अगर हम ये ज़ूम कर लें नाउ ज़ूम दैट अगर हम ये ज़ूम कर लें कि वी एन प्लस वन एक्स जो है ये ग्रेटर है वी एन प्लस टू एक्स से और वी एन प्लस टू एक्स ग्रेटर है वी एन प्लस थ्री एक्स से है ना इस प्रकार से तो बताओ ये बड़ा है ये छोटा है अगर हम बोले तो इतना माइनस इतना करेंगे निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा बताइए पॉजिटिव आएगा है ना अगर हम ज़ूम करें अगर हम ज़ूम करें देन तब वी एन प्लस वन एक्स माइनस वी एन प्लस टू एक्स ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा हाँ कि ना पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा होगा ये बड़ा क्वांटिटी ना छोटी है तो जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये इसका मॉड हटाया जा सकता है ये जो मॉड हट जाएगा बोलो ये मॉड कब हटेगा बताओ मॉड कब हटेगा जब ये अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव हो धनात्मक राशि हो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड को हटा सकते हैं आप पता है मॉड ऑफ फाइव और फाइव इक्वल होता है पता है क्या बोलो मेरा एक क्वेश्चन है मॉड ऑफ फाइव को आप फाइव के इक्वल इसलिए बोलते हो क्योंकि फाइव पॉजिटिव क्वांटिटी है फाइव जीरो से बड़ा होता है बोलो यार क्या आप मॉड ऑफ माइनस फाइव को माइनस फाइव के इक्वल बोलते हो क्या बताओ ये सही है ये गलत है ये गलत है क्योंकि माइनस फाइव जो निगेटिव क्वांटिटी है माइनस फाइव निगेटिव क्वांटिटी है इसी कारण निगेटिव का जो मॉड है और ये निगेटिव क्वांटिटी इक्वल नहीं हो सकता लेकिन पॉजिटिव अगर क्वांटिटी मान लो एक्स कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है धनात्मक राशि है तो मॉड ऑफ एक्स और एक्स इक्वल होगा अगर एक्स पॉजिटिव है तो बात समझ में आती मैं क्या बोलना चाहता हूँ चलिए तो जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी धनात्मक राशि है तो बताओ ये मॉड को हटाया जा सकता है क्या यहाँ का मॉड भी हट जाएगा उसी प्रकार से ना इसलिए बोलते हैं एंड बताओ वी एन प्लस टू एक्स माइनस वी एन प्लस थ्री एक्स ये भी पॉजिटिव आएगा इतना माइनस नहीं पॉजिटिव आएगा क्या बोलते हो हाँ या ना बोलो चलिए दच अतः दच मॉड ऑफ आर एन पी एक्स ये लेस देन एप्सिलॉन बाय के अब मैं मॉड को हटा के लिखूंगा ये इसी लाइन को लिखूंगा इसी लाइन को इसका जो मॉड है उसको हटा दूंगा क्यों मॉड को हटा दोगे सर ऐसा क्या कारण हो गया बताओ आप लोग कारण बताओ इसका मॉड को हटाऊंगा बोल रहा हूँ हाँ क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसके मॉड को हम हटा सकते हैं बताओ मॉड को हटाने के लिए क्या क्या हमें ट्रिक अपनाया कि ये पॉजिटिव वैल्यू है बताया ठीक है प्लस वी एन प्लस टू एक्स माइनस वी एन प्लस थ्री एक्स इसी को लिख रहा हूँ मैं पूरा इसी को हूबहू लिख रहा हूँ केवल इसके मॉड को हटा के लिख रहा हूँ ठीक है प्लस एंड सेवन आएगा ना इसके बाद प्लस एंड सेवन प्लस वी एन प्लस पी माइनस वन एक्स माइनस वी एन प्लस पी एक्स ठीक है और प्लस के प्लस के देखो समझ में आ गया क्या चलिए अब आप बताइए ये वाला इससे कट जाएगा देखो ये प्लस में माइनस में बोलो ये कटेगा ये माइनस में प्लस में ये वाला अपने आगे वाला से कट जाएगा ये वाला ये वाला अपने आगे वाला से कट जाएगा ये वाला अपने पहले वाला से कट जाएगा सब एक दूसरे से कटेगा क्या बचेगा इसमें बताओ क्या बचेगा जो नहीं कटेगा के तो नहीं कटेगा और ये तो नहीं कट पाएगा ना ये और ये लास्ट वाला नहीं कटेगा फर्स्ट और लास्ट नहीं कटेगा बाकी सब कट जाएगा बाकी सारे बच जाएंगे बारे सारे कट जाएंगे ओके तो ऐसा आएगा देखो ये ऐसा आएगा है ना इस प्रकार से आएगा मॉड ऑफ आर एन पी एक्स
यह लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई के, वी एन प्लस वन एक्स बचेगा माइनस वी एन प्लस पी एक्स बचेगा और प्लस के बचेगा। देखो न्याय समझ में लगता है, क्लियर है? चलिए अच्छी बात है, है ना। एप्सिलॉन बाई के, ठीक है, इधर ध्यान दो। मैं आप लोगों सब बच्चों को बताता हूँ कि अगर इसको प्लस में मॉड को साथ प्लस में अलग अलग करें, जैसे इसका अगर हम मॉड निकालें, मॉड ऑफ वी एन प्लस वन एक्स माइनस वी एन प्लस पी एक्स, तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये वाला कॉन्डिनेंस बड़ा होता है, इधर वाला बड़ा है, ध्यान रहना, ये इधर वाला जो साइन इधर वाला बड़ा है, इधर अगर मॉड लगा दें और बड़ा हो जाएगा प्लस के, होगा नहीं होगा, इधर मॉड लगा दें, बोलो यार, है ना। और मार लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो, क्योंकि इधर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, ये तो धनात्मक राशि आएगा, ये लोग क्वांटिटी बड़ा है छोटा है, इसको मार्ट को लगा दो हटा सको। अब मार्ट को अलग अलग करेगा प्लस में तो ये साइन बरकरार रहेगा, मतलब मार्ट ऑफ आर एन पी एक्स यह लेजर होगा एप्सिलॉन बाई के, और यहाँ पर हम मार्ट को अलग अलग कर रहे हैं पॉजिटिव प्लस में, है ना, वी एन प्लस वन एक्स प्लस वी एन प्लस पी एक्स। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि सर ये माइनस का प्लस कैसे, माइनस का प्लस नहीं हुआ, मैंने मार्ट को अलग अलग किया है प्लस में, प्लस में अलग अलग किया है मार्ट को, तो ये वाला साइन बरकरार, लेस देन साइन बरकरार रहेगा, माइनस में अलग करेंगे तो ग्रेटर देन साइन आ जाता है। मैं आपको समझाता हूँ एक बार, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, जैसे मॉड ऑफ ए माइनस बी है, तो अगर आप मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लिखते हो ना, ये अलग करते हो प्लस के साथ, प्लस के साथ अलग करते हो तो ये वाला क्वांटिटी बड़ा होगा, फिर समझाता हूँ, जैसे मॉड ऑफ ए माइनस बी है, आप मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लिखते हो, मॉड ऑफ ए प्लस क्या लिखते हो मॉड ऑफ बी, तो ये क्वांटिटी बड़ा होगा इधर वाला, यहाँ प्लस साइन लिखते हो तो, लेकिन अगर माइनस साइन लिख दोगे तो बताओ कौन बड़ा होगा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लिख देते हो तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, हमें इसको ग्रेटर नहीं चाहिए, हमको इसको ग्रेटर चाहिए, तो बताओ ये वाला साइन लाने के लिए किस में अलग करना पड़ेगा मॉड को, ये साइन चाहिए हमें, प्लस में अलग करना पड़ेगा ना प्लस में, तो ये हमारा ए है, सोचो ये ए है, ये बी है, सोचो ए माइनस बी में मॉड लगा हुआ है, तुमने अलग अलग कर दिया, मॉड ऑफ ए लिख दिया, मॉड ऑफ बी प्लस में अलग किया है, ये साइन बरकरार रहेगा, नहीं लगता है, नहीं आया समझ में, आ गया, तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, माइनस का प्लस क्या हुआ, माइनस का प्लस नहीं हुआ, मैंने प्लस में अलग अलग किया है ताकि ये साइन बरकरार रहे। अब बताओ इक्वेशन नंबर वन से किससे लेस देन है, बताओ इक्वेशन नंबर वन से किससे लेस देन, बताइए जी, चले के, ये भी के से लेस देन आएगा, प्लस के एक के है, ठीक है, कौन से इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन, चलो कितना आया बताओ जोड़ो, थ्री के, बताया यहाँ पे एप्सिलॉन बाई के लेने के क्या लेना ठीक था, थ्री के आ गया, एप्सिलॉन बाई थ्री के लेना था ताकि थ्री के कट जाए, लेते हैं एप्सिलॉन आ जाए, तो आपको थ्री के एप्सिलॉन बाई थ्री के ना शुरू से लेना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर टू से ही, यहाँ से ही लेना पड़ेगा, यहाँ से शुरुआत से ही एप्सिलॉन बाई थ्री के लेना पड़ेगा, मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी इक्वेशन नंबर टू में जो आपने लिखा ना, इस क्वांटिटी को आपको बोलना पड़ेगा ये लेस देन है एप्सिलॉन बाई थ्री के, ऐसे लिखना पड़ेगा, ये क्वांटिटी किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई थ्री के से लेस देन है, शुरुआत में ही लेके चलना पड़ेगा, ऐसा लेने से फायदा है कि थ्री के बाद में कटेगा, तो ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन ना लेके हमने क्या लिया, एप्सिलॉन बाई थ्री के से लेस देन मान लिया, ठीक है, इस क्वांटिटी को लेस देन एप्सिलॉन, ये जो इक्वेशन नंबर टू, ये जो क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन बाई थ्री है, ये इक्वेशन नंबर थ्री में, ये इक्वेशन नंबर थ्री में, इक्वेशन नंबर टू से आएगा ना, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई थ्री के आ जाएगा, एप्सिलॉन में क्या आएगा थ्री के, तो ये जो क्वांटिटी है किससे लेस देन आएगा, एप्सिलॉन बाई थ्री के से लेस देन आएगा, तो यहाँ पर जो आपने एप्सिलॉन बाई के लिखा था, वो एप्सिलॉन बाई के को क्या लिखना पड़ेगा बताओ, बोलो, एप्सिलॉन बाई के की जगह एप्सिलॉन बाई थ्री के लिखना पड़ेगा, जहाँ जो एप्सिलॉन बाई के लिखा है ना, ये एप्सिलॉन बाई थ्री के आएगा, थ्री के, एप्सिलॉन बाई थ्री के, सब में एप्सिलॉन बाई थ्री के कॉमन आएगा, ये ऐसा आ जाएगा, सब में एप्सिलॉन बाई थ्री के कॉमन आएगा, ये ऐसे ऐसे, अब आपका ये थ्री के कटेगा, तो बताओ क्या आएगा,
बोलो, थ्री के थ्री कितना क्या है? एप्सिलॉन। मान लो एप्सिलॉन बाय थ्री के जगह केवल एप्सिलॉन लिया जाता है तो क्या आंसर आता, बताओ? केवल एप्सिलॉन लिया जाता है तो क्या आंसर आता? यस, थ्री के एप्सिलॉन आ जाएगा, है ना, बल्कि हमें लेस देन एप्सिलॉन लाना है, इसी कारण हमने जानबूझ कर एप्सिलॉन बाय थ्री के लिए शुरुआत। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करूंगा पूरा लाइन, बताओ ये क्या शो करता है, बताइए, बोलो क्या शो करता है? कौन सा सीरीज, कौन सा सीरीज बताओ? सिग्मा सीरीज यू एन एक्स डॉट वी एन एक्स, वी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्रूफ भी कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं एक बार इसको रिपीट करना चाहता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हमने ये दोनों एक जूम किया है, मतलब फर्स्ट और सेकंड हमने क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखकर एक जूम कर लिया है, ये और ये। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिया, इसके यू हम करते हैं आगे। मुझे इस सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना है, प्रोडक्ट का सीरीज। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट वाला सीरीज है इसको मुझे क्या बताना है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मुझे बताना है। लेकिन आपने इस सीरीज को क्या मान के चला, बताओ, बोलो, इस सीरीज को आपने क्या मान के चला है? सिग्मा यू एन एक्स, पढ़ो, इस सीरीज को हमने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट माना। तो जब ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये सीरीज जब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इसका जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री के आएगा। मैं बता चुका हूँ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन, याद है आपको, इसका जो मॉड है लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ना, तो इसका जो मॉड है ये लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन ना लेके हम क्या ले रहे हैं बताओ? एप्सिलॉन बाय थ्री के ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो मॉड है लेस देन एप्सिलॉन इसलिए आया क्योंकि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इसी कारण इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन ना लेके हमने एप्सिलॉन बाय थ्री के ले लिया। अब ये तो इस सीरीज का पार्शियल रिमाइंडर है, ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज का ये पार्शियल रिमाइंडर है। तो ये जो आर एन पी लिख रहा है ये किसका पार्शियल रिमाइंडर है बताओ? ये किस सीरीज का पार्शियल रिमाइंडर है, बोलो? नहीं नहीं, ये वाला आर एन पी एक्स, ये वाला किस सीरीज का पार्शियल रिमाइंडर है? ये वाला सीरीज का, देखो ये वाला सीरीज का, यस, इस सीरीज का यू एन एक्स वी एन एक्स जो प्रोडक्ट वाला सीरीज है ना, इस प्रोडक्ट वाला सीरीज का पार्शियल रिमाइंडर है। अब अगर ये इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, इस पार्शियल रिमाइंडर का मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो ये सीरीज क्या कहलाएगा बताओ? अगर इसका मॉड, ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कहलाएगा अगर इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन ला जाए। तो इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन लाने के लिए ही हमने यहाँ एप्सिलॉन बाय थ्री के लिया है जानबूझकर। यह एप्सिलॉन बाय थ्री के लेने का मतलब यह है कि बाद में थ्री के कटेगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा इसके। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम, हाँ कहिए। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो टर्म है आर एन पी एक्स, ये जो है ये प्रोडक्ट वाले सीरीज का पार्शियल रिमाइंडर है। इस प्रोडक्ट वाले जो सीरीज है ना, इसका पार्शियल रिमाइंडर है। और अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, इसका मॉड अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमने इस सीरीज का, ये जो सीरीज है, इस सीरीज का पार्शियल रिमाइंडर ले लिया आर एन पी ये। और चूंकि आपको पता है ये जो पार्शियल रिमाइंडर है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा क्योंकि ये जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो इसका जो मॉड है वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन लेके हमने लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री के ले लिया है, यहाँ लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री के आ गया। ठीक है, ये क्यों आया बताओ? क्योंकि ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इसका जो पार्शियल रिमाइंडर है, इसी सीरीज का पार्शियल रिमाइंडर है, इसका जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन लेके अपन एप्सिलॉन बाय थ्री के ले लिया। यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो? चलिए, अब इसके बाद में हमने क्या किया, मॉड ऑफ आर एन पी निकाले हैं। पता है इसका मॉड मुझे लेस देन क्या लाना है, एप्सिलॉन। लेस देन क्या लाना है, एप्सिलॉन, ये है ना। ठीक है, इसका हम मॉड निकाल रहे हैं। इसका मॉड निकालने के पहले हमने यहाँ पर आपको बताया, जब हम आर एन वन की बात करेंगे तो एक ही टर्म आएगा, क्योंकि देखो आर एन पी लिख रहे हैं तो पूरा एन प्लस पी तक जा रहा है। ठीक है, जब पी की जगह वन रखेंगे तो केवल एक ही टर्म आएगा,
पी की जगह टू रखेंगे तो दो टर्म आ जाएंगे, पी की जगह थ्री रखेंगे तीन टर्म आ जाएंगे, और पी रख रहे हैं तो पूरा पी तक जा रहा है। तो आर एन वन लिखेंगे तो यू एन प्लस वन ही आएगा, आर एन टू लिखेंगे तो यू एन प्लस वन यू एन प्लस टू दो टर्म आ जाएंगे, आर एन थ्री लिखेंगे तीन टर्म आ जाएंगे। ये समझ आया आपको? देखो है ना। चलिए अब यू एन प्लस वन एसक्यू एल यू तो ही आएगा, ठीक है। यू एन प्लस टू एसक्यू एल यू निकालना है तो इतना माइनस ना कर दो, इतना माइनस ना करो तो यू एन प्लस टू एसक्यू एल यू निकल जाएगा, फिर आपको इतना माइनस ना करोगे तो यू एन प्लस थ्री एसक्यू एल यू निकल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कैसे निकला यू एन प्लस वन यू एन प्लस टू यू एन प्लस थ्री? बोलो। चलिए इसके बाद में हम आर एन पी का मान निकाल रहे हैं। आर एन पी की वैल्यू रख दी, यू एन प्लस वन की वैल्यू हमारे पास है, यू एन प्लस टू की वैल्यू हमारे पास है, यू एन प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, ये रख दी। यू एन प्लस वन यू एन प्लस टू यू एन प्लस बी की वैल्यू निकाल चुके थे, ये हमने रख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें? इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा ना, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? ये वाला टर्म और इसका जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा? आर बोलो आर एन वन एक्स कॉमन है ना, तो आर एन वन एक्स के साथ ही आएगा, वैसे आर एन टू एक्स के साथ ही आएगा, आर एन प्लस बी माइनस एक्स साथ ही आएगा, ये वाला सारे टर्म्स आ जाएंगे। ये समझ में आ गया आपको कॉमन निकालना है ना? ये वाला टर्म बन नहीं आएगा, लास्ट टर्म कैसे आया? लास्ट टर्म इसलिए आया क्योंकि क्या होगा जब इसका मल्टीप्लाई इनके साथ भी तो होगा, इसका और इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा। बोलो तो यहाँ तक में आर एन प्लस पी माइनस वन आया, आर एन पी माइनस वन, तो आर एन पी एक्स और वी एन प्लस पी एक्स भी आएगा। यस कि नो? चलिए अब मॉड को अलग अलग करें या इक्वल टू जगह क्या साइन आएगा? यहाँ इक्वल टू साइन है, इक्वल टू के प्लस पे क्या साइन आएगा अगर मॉड को अलग अलग करें तो? तो चलिए लेस देन इक्वल टू का साइन इसलिए आया क्योंकि मॉड को अलग अलग कर दिया गया। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो। नहीं। अब बताइए किससे लेस देन है? एप्सिलॉन बाय थ्री के से, ये भी एप्सिलॉन बाय थ्री के से, ये भी एप्सिलॉन बाय थ्री के से, ये भी एप्सिलॉन बाय थ्री के, सब एप्सिलॉन बाय थ्री के से लेस देन है। इसकी जगह हम एप्सिलॉन बाय थ्री के लिखते हैं तो लेस देन का साइन आएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो यार। तो ये देखो लेस देन साइन आ गया, सब जगह एप्सिलॉन बाय थ्री के ले लिए, ठीक है। चलिए अब बताओ सब में एप्सिलॉन बाय थ्री के हमने लिख दिया, अब बताइए सब में कॉमन क्या है? एप्सिलॉन बाय थ्री के सब में कॉमन है, हाँ कि ना? चलिए तो हमने सब में एप्सिलॉन बाय थ्री के कॉमन निकाल दिया, एप्सिलॉन बाय थ्री के सब में कॉमन निकाल दिया, ठीक है। चलिए एप्सिलॉन बाय थ्री के कॉमन निकाल दिया। अब इक्वेशन नंबर वन से ये लेस देन के है, पता है इक्वेशन नंबर वन में इसको हमने लेस देन इक्वल टू के कहा था, इक्वेशन वन आपको दिखाया था है ना, शुरू में होगा इक्वेशन। ये देखो माड़ा वी एन एक्स लेस देन इक्वल टू के, तो ये लेस देन इक्वल टू के इसकी जगह के रख दी। कोई डाउट है यहाँ तक? देखो नो। अब हमने ये ज़ूम किया कि वी एन प्लस वन ग्रेटर है वी एन प्लस टू से, उससे ग्रेटर वी एन प्लस, मतलब ये बड़ा है इससे, ये ग्रेटर है इससे, तो इतना माइनस ना करेंगे पॉजिटिव आएगा। हाँ जी बोलो। ये लाइन ना, चलिए एक बार देखिए, तो इस सब में एप्सिलॉन बाय थ्री के कॉमन था, ये और ये लाइन सेम है एकदम, कोई चेंजेस नहीं है, बस अंतर ये है कि इस क्वेश्चन नंबर वन का यूज मैंने किया, ये लेस देन की है, ये वाला क्वांटिटी लेस देन साइन बरकरार रहेगा और ये क्वांटिटी लेस देन की है, ये क्वांटिटी लेस देन की है। इक्वेशन नंबर वन आप देखो ना, आप इक्वेशन वन दिखा देता हूँ, ये देखिए इक्वेशन वन दिखाई दे रहा है, मॉड ऑफ वी एन एक्स लेस देन के, देखो दिख रहा है? हाँ लेस देन इक्वल टू के है, मतलब लेस देन तो है ना, लेस देन और इक्वल टू है, मतलब लेस देन तो के है ना, मतलब इससे बड़ा है ना के, समझ में आ गया? तो आप लोगों को तो ये पता होगा ना, बड़ी क्लास में आ गए हो तो ये पता होगा इन दोनों में ये कंडीशन ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ एक्स इज लेस देन फाइव, अब मुझे पता है कि फाइव जो है छोटा या बराबर है मान लो वाई से, तो एक्स लेस देन वाई ही रहेगा, ये स्ट्रांग कंडीशन है ना, ज़्यादा स्ट्रांग है, ये लेस देन और इक्वल टू है। यहाँ यहाँ से आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, एक चीज कोई चीज को अगर छोटा है तो छोटा और बराबर नहीं हो सकता, हो जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। फिर समझाता हूँ, मान लो एक्स की वैल्यू फाइव है, चलो एक्स की वैल्यू फाइव है, वाई की वैल्यू सिक्स है, तो आप एक्स से लेस देन वाई लिखोगे ना? बोलो यार।
अगर एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 6 है तो एक्स लेस देन वाई लिखोगे ना, हाँ या ना, ये मानते हो कि नहीं मानते बात को? ये बात मानते हो ना, यस कि नो? अब मैं ये बोल देता हूँ कि जेड की वैल्यू भी 6 है, मान लो जेड की वैल्यू भी क्या है 6 है, तो वाई और जेड बराबर हो गए। Yes, तो आप x के साथ z का क्या रिलेशन आएगा? आप इक्वल टू z लिख दोगे क्या? बोलो, लेस देन ही रहेगा, स्ट्रांग कंडीशन ही रहेगा, इक्वल टू नहीं आ जाएगा। नहीं समझे लगता है? y और z में क्या रिलेशन है? इक्वल टू का रिलेशन है ना, y और z में इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन ही साइन रहेगा, क्योंकि x और z में लेस देन का ही रिलेशन रहेगा। y और z में ठीक है इक्वल टू का साइन है, लेकिन x के साथ z का रिलेशन करोगे तो x इज लेस देन z आएगा। बात समझ में आई क्या बता रहा हूँ मैं? जो स्ट्रांग कंडीशन वही रहेगा, है ना? तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू के है, ठीक है, आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। एक स्टूडेंट बोल रही थी कि सर यहाँ लेस देन इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू के है ना, है ना, लेस देन भी है और के इक्वल टू भी है, लेकिन ये लेस देन है ना के से, तो हम यहाँ पे हम रखेंगे तो लेस देन साइन बरकरार रहेगा। ये लाइन समझ में आ गया? बोलो, यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया, चलिए। अब हम ये जूम कर रहे हैं कि वी एन प्लस वन एक्स या ग्रेटर है वी एन प्लस टू से, उससे ग्रेटर वी एन प्लस टू, इस प्रकार से, मतलब ये इससे छोटा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा, इस प्रकार ऐसे एक जूम करने से फायदा ये हो रहा है कि इतना माइनस इतना करेंगे पॉजिटिव आएगा, इतना माइनस इतना करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। बोलो, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा आएगा, इतना समझते हैं ना आप लोग? बोलो, तो पॉजिटिव नहीं आएगा, ये बड़ा है ये छोटा है बोल रहा हूँ, ये वाला बड़ा है ये छोटा बनाओ, बड़ा छोटा नहीं समझते हो क्या तुम लोग? क्या यार, ये बताओ सिक्स और टू में कौन बड़ा है बताइए? सिक्स और टू में सिक्स बड़ा है ना, तो सिक्स माइनस टू करूंगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा? बोलो, सिक्स माइनस टू करूंगा पॉजिटिव, धनात्मक राशि नहीं आएगी? तो भाई जो बड़ा है, बड़ा में छोटा घटाएंगे माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना, धनात्मक राशि जीरो बड़ा आएगा ना, यस कि नो? तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये सारे अगर पॉजिटिव क्वांटिटी हैं तो इसके मॉड को हटाया जा सकता है, ये जो बाहर मॉड लगा है वो हटा हट जाएगा जब ये पॉजिटिव राशि है तो। बोलो, ये जो बाहर मॉड लगा दिख रहा है, इस मॉड को मैंने हटा के लिख दिया, ये लिख दिया, ये लाइन आया समझ? सेम वही लाइन है, मॉड जो लगा था उसको हटा दिया, आ गया समझ? अब ये और ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में प्लस में, कटेगा नहीं कटेगा? देखो ये दोनों, ये और ये कट जाएगा, ये अपने आगे वाले से कट जाएगा, सब कटेगा, ये फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बाकी सब कट जाएंगे। ये वाला इससे कट रहा है, ये वाला अपने आगे वाले से कटेगा, ये वाला अपने पहले वाले से कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये दोनों को छोड़कर बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। आ गया, चलिए, तो ये लाइन आ जाएगा आपका, ये लाइन आपको मिल जाएगा, ये लाइन मिल जाएगा, सब कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये बड़ी क्वांटिटी है छोटी क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव राशि है, पॉजिटिव राशि मार लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, फिर से मार लगा दिए, मैंने आपको कहा था पॉजिटिव क्वांटिटी धनात्मक राशि, फिर से मार लगा दिए, ओके। अब इसको हम मार को अलग अलग कर रहे हैं, वही प्लस में, माइनस में नहीं, प्लस में अलग कर रहे हैं, बताइए साइन बरकरार रहेगा? बोलो, ये साइन बरकरार रहेगा क्योंकि हमने प्लस में मार्ट को अलग, माइनस में करेंगे तो साइन पलट जाएगा, लेकिन हमें साइन को पलटना नहीं है, साइन ही रखना, ठीक है। तो इस ना मार्ट और इसका मार्ट अलग अलग कर दिए, बताइए किससे लेस देन? इक्वेशन नंबर वन से, और ये भी कैसे लेस देन? एक के और है, तीन बार के आ गया, कितना आ गया था? बोलो, थ्री के, थ्री के, थ्री के कट जाएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा थ्री के क्यों लिया गया था। बोलो, जब थ्री के कट जाएगा तो बताओ हमारा जो सीरीज है वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यस, क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। बोलो, यस कि नो? हमने लिखा है लास्ट लाइन में, हमने यहाँ लिखा है, देखो ये देखो, मॉड ऑफ आर एन पी लेस देन एप्सिलॉन आ गया, हमने लिखा है दिस वाज दैट द सीरीज सिग्मा यू एन एक्स इंटू वी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।